करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हर वक्त दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों की लड़ाई आखिर कौन लड़े? हमीरपुर में ये सवाल पत्रकार कक्ष को देखकर उठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पत्रकार कक्ष की हालत दयनीय बनी हुई है। आलम ऐसा है कि पत्रकार कक्ष के अंदर सीलन होने से दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है तो छत भी खराब हो गई है। वहीं पत्रकार भवन के शौचालय किसी सार्वजनिक शौचालय से भी बदतर है तो कक्ष के अंदर लगे हुए कर्टन भी टूट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों ने अपनी व्यथा को DPRO जिला प्रशासन से लेकर विधायक और सांसद तक नहीं सुनाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जिस कारण अब पत्रकारों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हर वक्त दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों की लड़ाई आखिर कौन करे? हमीरपुर में ये सवाल पत्रकार कक्ष को देखकर उठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पत्रकार कक्ष की हालत दयनीय बनी हुई है। आलम ऐसा है कि पत्रकार कक्ष के अंदर सीलन होने से दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है तो छत भी खराब हो गई है। वहीं पत्रकार भवन के शौचालय किसी सार्वजनिक शौचालय से भी बदतर है तो कक्ष के अंदर लगे हुए कर्टन भी टूट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों ने अपनी व्यथा को DPRO जिला प्रशासन से लेकर विधायक और सांसद तक नहीं सुनाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जिस कारण अब पत्रकारों में गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि मिनी सचिवालय के साथ सटे हुए पत्रकार कक्ष की हालत DC से लेकर विधायक और सांसद अनुराग ठाकुर से भी छिपी नहीं रही है, क्योंकि गत दिनों ही एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर से भी पत्रकार खस्ता हॉल कक्ष की हालत को ठीक करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है और बैठने के लिए भी सालों पुराने रखी गई कुर्सियां खराब हो गई हैं और कमरे में लगा हुआ AC भी खराब पड़ा हुआ है। पत्रकार कक्ष के ऊपर घास उगी है तो झाड़ियों ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर की माने तो कई बार प्रेस रूम की हालत के बारे में प्रशासन को बताया गया है और लिखित तौर पर भी मुरम्मत के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक नरेंद्र ठाकुर और MP अनुराग ठाकुर को भी हालत सुधारने के लिए लिखित मांग की थी, लेकिन आज दिन तक मुरम्मत नहीं होने से पत्रकारों को खस्ता हाल भवन में समय गुजारना पड़ता है। प्रेस क्लब जो है बड़ा चिंतित है इस विषय को लेकर, जो हमीरपुर में एकमात्र स्थान है पत्रकारों के लिए बैठने के लिए, पत्रकार कक्ष जिलाधीश कार्यालय के प्रांगण में ही समझे से बना हुआ है। 2001 में इसका निर्माण किया गया था, तब प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, लेकिन तब उसके बाद इस भवन के ऊपर एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं की गई। आप देखें इसकी वुडन पैनलिंग जो है वो फट चुकी है और वो सड़ चुकी है, कई जगह से डैम्पनेस है, पूरी बिल्डिंग की हालत खराब है, छत के ऊपर पेड़ों की टहनियां टूट के गिर रही हैं, घास उग रही है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने इस मुद्दे को DPRO, जिलाधीश, स्थानीय विधायक, स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट, हर किसी के ध्यान में लाया, लेकिन सब लोगों ने यहाँ आकर सिर्फ आश्वासन दिए, दौरा किया, मौका मुआयना देखा, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हुआ। यहाँ तक के प्रेस क्लब हमीरपुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि अगर वो इसको मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं तो इसे प्रेस क्लब को दे दीजिएगा ताकि इसका रखरखाव ढंग से किया जा सके। सो वी वांट कि ये जो भवन है इसको जिलाधीश कार्यालय के जो समीप बना है, इसको शायद स्मॉल सेविंग की फंडिंग से बनाया गया था, तो इसको और इस वक्त इसका जो कस्टोडियन है वो जिलाधीश कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो पत्रकार कक्ष के रूप में हो रहा है इस भवन का, और वो इसका रख रखाव है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट DPRO के माध्यम से हो रहा है। जिलाधीश, पिछले जिलाधीश से इस बारे में बात की थी, इसके बारे में स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर से बात की, अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए थे, हमारा एक कार्यक्रम था राहत सामग्री के वितरण का, तो वो उसके लिए वो आए, तो उस वक्त भी उनके ध्यान में ये चीज़ लाई, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। आप इस भवन का अगले शॉट्स देखें, इसकी छत सीलन से खराब है, वॉशरूम जिसके बहुत गंदे हैं वहाँ जाए यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालत बहुत खराब है। इसलिए हमारा जो अगला कार्य है वो हम अब ये प्लान कर रहे हैं कि एक बार जिलाधीश हमीरपुर को एक बार फिर से मिला जाए,
और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसके लिए हमें एजिटेशन करना पड़े। वहीं पत्रकार नीलकांत का कहना है कि प्रेस रूम की हालत को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जिला प्रशासन के बगल में प्रेस रूम है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब की समस्या को जिला प्रशासन अनदेखा कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रेस रूम की हालत को सुधारा जाए, अन्यथा प्रेस रूम के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाए। देखिए, जो हमीरपुर प्रेस रूम है उसकी अगर आज की बात की जाए तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। बड़ी हैरानी होती है देखकर कि जिला प्रशासन के बिल्कुल बगल में ये प्रेस रूम है और जो पत्रकार हैं वो रोज़ाना जिला प्रशासन के मुद्दों को उठाते हैं, उनके हर तरह की विकासात्मक जो खबरें होते हैं उनको छापते हैं, लेकिन फिर भी जो जिला प्रशासन है वो प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं उनकी और मतलब उनके बारे में सोच ही रहा बिल्कुल नहीं। आज यहाँ देखिए आपकी मतलब यहाँ बैठ नहीं सकता कोई, लेकिन हमें जब भी कोई अपनी बैठक करनी होती है, कोई चर्चा करनी होती है तो हमें हट फिर के यहीं पे आना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है यहाँ के जो जिलाधीश हैं और जो तमाम प्रशासन है कि कृपया पत्रकारों की समस्या को देखें ताकि यहाँ एक प्रेस रूम के लिए या तो हमें बेहतर कोई विकल्प उपलब्ध कराया जाए ताकि वहाँ पर हम लोग आसानी से पत्रकार लोग बैठ सकें और अपना जो अपनी जो कार्रवाई होती है, जो भी बैठक होती है, मीटिंग है, उसको आराम से कर सकें। वहीं पत्रकार उमेश का कहना है कि प्रेस रूम में पत्रकार दिनचर्या के काम को निपटाने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी मरम्मत नहीं हो रही है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि जो एक समाज का आईना होता है जिसे हम पत्रकार कहते हैं, उनके बैठने और जहां पे वो अपनी तमाम कार्रवाई करते हैं, बैठकें करते हैं, तमाम मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं, वो स्थल जो है वो खस्ता हालत है। ऐसा कई बार हमारे जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं या पदाधिकारी हैं उन्होंने जिला प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी करवाया है। अवगत होने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई सुधार नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं एसी यहाँ का खराब पड़ा हुआ है, यहाँ के जो बिजली के जो वायर हैं वो निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं, अपनी फिटिंग जो है वो उखड़ी हुई है। तो तमाम ऐसी जो सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो अनुरोध रहेगा जिला प्रशासन से, या तो इस भवन की हालत को सुधारा जाए या कोई और विकल्प जो है, व्यवस्था जो है प्रेस क्लब के लिए की जाए। पत्रकार विशाल का कहना है कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी मरम्मत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक नरेंद्र ठाकुर के पास शिकायत की थी और उन्होंने तत्कालीन डीसी को फोन पर हालत सुधारने के लिए कहा था, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। ये जो प्रेस क्लब हमीरपुर है, इसकी जो जर्जर स्थिति है आज के प्रेस में, जो भवन है इसके हमने बार बार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था। एक कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे आदरणीय विधायक आए थे, उन्होंने हमारे सामने जिलाधीश महोदय को फ़ोन किया था, तत्कालीन जिलाधीश महोदय मैडम ऋचा जी थे। तो उन्होंने फ़ोन भी करने के बावजूद भी प्रशासन के मुंह पर यानी कि सिर पे जून तक नहीं रेंगी है। और आज भी यहाँ पे अगर स्थिति देखें इस प्रेस क्लब की, यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, टीवी इनका ख़राब है, टॉयलेट्स की हालत अगर आप देखें तो यानी बुरी बदतर स्थिति में है। तो हमारी प्रेस क्लब की ये जिला प्रशासन से मांग रहेगी कि जो पत्रकार आप सभी लोगों की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, लोगों की दुख दर्द आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उनका दुख दर्द कौन सुनेगा। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इस जर्जर स्थिति से इस भवन की निजात दिलाई जाए और इसको रेनोवेट किया जाए, उसको अच्छे से रहने लायक बनाया जाए।